अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास ए पार्ट भी गिवन है, यानी ए मैट्रिक गिवन है एक और दूसरा बी मैट्रिक गिवन है. तो इसमें ये कंडीशन है जी, ए को मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए के साथ और एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर डेट ऑफ ए फाइंड करें, डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करें. देखें जी, ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करें, वो बराबर हो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और ए का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, चेक करें कि तीनों इक्वल हैं कि नहीं है. चले हम इसको चेक कर लेते हैं. ये ए मैट्रिक है, ठीक हो गया. इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, सिक्स वन को स्वैप करेंगे, सिक्स ऊपर चला जाएगा, वन नीचे आ जाएगा, और ऑफ एंगल में टू है, फोर है, माइनस टू हो जाएगा और ये फोर माइनस फोर हो जाएगा, क्योंकि हम साइन चेंज करेंगे. तो ये अब हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया. अब डिटर्मिनेंट डेट ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं, तभी ये भी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगा. तो सिक्स इंटू वन, ठीक है, या वन इंटू सिक्स करेंगे, माइनस करेंगे फोर इंटू टू, फोर इंटू टू. तो सिक्स इंटू वन सिक्स, प्लस माइनस माइनस, फोर इंटू टू एट, सिक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस टू. तो डिटर्मिनेंट हमें माइनस टू मिला, इट्स मीन कि ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. इसी तरह हम ए हमने फाइंड किया, ए है गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है यहाँ पे. तो ए को लिखा वन टू फोर सिक्स, एडजॉइंट हमने जो फाइंड किया सिक्स माइनस टू माइनस फोर वन, सिक्स माइनस टू माइनस फोर वन, इनको मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा. इसी तरह फिर आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम. तो वन इंटू सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे टू इंटू माइनस फोर, वन इंटू सिक्स प्लस टू इंटू माइनस फोर. फिर इसी तरह यही रो रहेगी और ये कॉलम चेंज हो जाएगा और थोड़ी सी स्पेस देंगे हम, ठीक है, हल्की स्पेस दी. फिर वन इंटू माइनस टू प्लस टू इंटू वन, वन इंटू माइनस टू प्लस टू इंटू वन. इसी तरह सेकेंड रो पे आ जाएंगे, फोर इंटू सिक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस फोर, फोर इंटू सिक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस फोर, फोर इंटू माइनस टू प्लस सिक्स इंटू वन, फोर इंटू माइनस टू प्लस सिक्स इंटू वन. अब इनको कैलकुलेट करेंगे, वन इंटू सिक्स सिक्स, प्लस माइनस माइनस, फोर इंटू एट एट माइनस एट, वन इंटू माइनस टू, माइनस टू आएगा हमारे पास, प्लस टू इंटू वन टू, फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, प्लस माइनस माइनस, सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर, फोर इंटू टू एट माइनस एट, प्लस सिक्स इंटू वन सिक्स. माइनस एट इज ग्रेटर, साइन माइनस का यूज़ होगा, ठीक है. तो माइनस एट सिक्स, सिक्स है प्लस सिक्स करेंगे तो ये माइनस टू आएगा, माइनस टू प्लस टू कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों, ज़ीरो आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस टू आएगा. तो ये हमारे पास दोनों सेम आए एलिमेंट, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल में सेम एलिमेंट हो तो उसको हम ऐसा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स. चलें, ये तो हमारा रिजल्टेंट था कि हमने ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई किया है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मैट्रिक्स मिला है, जिसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स हम कहेंगे. चलें आगे, एडजॉइंट ऑफ ए और ए को स्वैप किया, यानी इसको पहले लिख देते हैं और ए को बाद में लिखेंगे, फिर देखते हैं जी रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता. एग्जैक्टली जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें, ठीक है, दिस इज़ योर टास्क. और यहाँ हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं कि ये इसके इक्वल है. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है डायगनल में वन आना चाहिए, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल में वन हो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके डायगनल में वन आया हुआ है, वन वन डायगनल में आया हुआ है, ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने डेट ऑफ ए के साथ, ए का डेट हमने फाइंड किया था माइनस टू, तो माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं जी, ठीक है, माइनस टू इंटू वन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू को ज़ीरो के साथ तो वो ऑलरेडी ज़ीरो आएंगे, और वन वन है तो यहाँ माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू माइनस टू. तो देखें जी
हाँ, तीनों कंडीशन हम चेक कर चुके हैं, तीनों में हमारे पास ये तीनों कंडीशनें सेम हैं, ठीक है। तो पार्ट वन हमने इस तरह सॉल्व कर लिया। पार्ट टू में वो कहता है जी, अगर बी बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखें कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है आपके पास, ठीक है, और बी इनवर्स को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करें फिर भी आपके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम आपको दिखा चुके हैं, ठीक है, जिसके डायगनल में वन हो उसको हम आई लिखते हैं, आई से तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब आइडेंट ऑफ बी पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बी जो है हमारे पास, ये बी गिवन था, ये बी है, माइनस टू ऊपर थ्री नीचे आ जाएगा, वन पॉजिटिव और टू नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है, वन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। तो ये एडजेंट ऑफ बी फाइंड कर लिया, इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इसका, डेट ऑफ बी, ये बी है, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स आएगा, और माइनस करेंगे माइनस वन इंटू टू माइनस टू, तो माइनस टू को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस टू हो जाएगा, यानी माइनस सिक्स प्लस टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस फोर। तो ये माइनस फोर उसने कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया, ये माइनस फोर आ गया। तो डेट ऑफ बी यानी डिटर्मिनेंट बी भी फाइंड कर लिया, एडजेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। एडजेंट ऑफ ए इसलिए फाइंड लिया ये कि बी इनवर्स में हमें हेल्पफुल होंगे, ये बी इनवर्स, तो बी इनवर्स के लिए हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, एडजेंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो ये एडजेंट है और ये उसका डिटर्मिनेंट है। माइनस फोर को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तमाम एलिमेंट के ऊपर, डिवाइड कर दिया, जो देखेंगे जो सिंप्लीफाई होगा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, वन ओवर माइनस फोर, वन ओवर माइनस फोर है, ठीक है। इसमें माइनस वन ओवर फोर लिख सकते हैं, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, वन बाई टू आ गया, थ्री बाय माइनस फोर आ गया। तो इस तरह बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब बी को बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बी है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास बी इनवर्स का जो भी हमने फाइंड किया है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ थ्री एंड टू, थ्री मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू, थ्री मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू प्लस वन एंड टू वन बाई टू, तो ये आएगा वन एंड टू वन बाई टू, ये माइनस नहीं है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वन एंड टू वन बाई टू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे थ्री एंड टू माइनस वन बाई फोर, थ्री एंड टू माइनस वन बाई फोर, फिर वन एंड टू प्लस वन एंड टू माइनस थ्री बाई फोर, तो यहाँ भी माइनस है, मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वन वन, हाँ बी मैट्रिक्स में, सॉरी बी मैट्रिक्स में माइनस ही है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने माइनस नहीं लगाया, बी मैट्रिक्स में माइनस है और यहाँ पे पॉजिटिव है, टू है, ठीक है, पॉजिटिव टू है, थ्री माइनस टू, यहाँ यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक भी दो हम इसको, ठीक है, ये माइनस वन ही होगा इसी तरह, और यहाँ हमारे पास होगा, यहाँ भी माइनस वन है, माइनस वन इंटू माइनस थ्री बाई फोर, इसके साथ फिर इसी तरह माइनस प्लस टू, ठीक है, टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू, फिर प्लस माइनस टू, टू इंटू वन बाई टू, फिर प्लस टू इंटू माइनस वन बाई फोर, माइनस टू इंटू माइनस थ्री बाई फोर, माइनस टू इंटू माइनस थ्री बाई फोर आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, थ्री बाय टू, थ्री बाय टू वन के, वन बाय टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, थ्री वन बाय थ्री, थ्री बाय टू, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वन बाय टू हो जाएगा, माइनस वन बाय टू, ठीक है, माइनस वन बाय फोर, थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, थ्री वन बाय थ्री माइनस थ्री बाय फोर, और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थ्री बाय फोर हो जाएगा, थ्री बाय फोर हो, टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, वन टू टू के साथ कैंसिल, प्लस माइनस 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 वन, इसी तरह टू वन बाय टू, टू टू ज़ार फोर, तो ये माइनस वन बाय टू आएगा, टू टू ज़ार फोर, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री बाय टू।
तरह सॉल्व करेंगे इसको तो देखेंगे कि ये एलसीएम सेम है। और यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास 2 आएगा और 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 बाय 2 हो जाएगा, 2 बाय 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ 1 आ गया। इसी तरह -3 प्लस 3/4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये -1/2 है, ये +3/2 है, तो ये भी इसी तरह 3 माइनस 1 2 2/2 और कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया हमारे पास। इसी तरह देखें जी, 1/2 -1/4 × 3 -1 2 -2, ये इस मैट्रिक्स के साथ हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने इसमें किया है, ठीक है। 1/2 × 3 1/2 × 3 -1/4 × 2 -1/4 × 2 1/2 × -1 1/2 × -1 +-1/4 × -2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1/2 × 3 1/2 × 3 -3/4 × 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1/2 × -1 1/2 × -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे सॉल्यूशन इसका। देखें जी, 1/2 3 3 को 1 3 1 3 3/2 सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4 -1/2 आएगा, 1/2 × -1 +-1/2 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 2 1 2 2 2 4 -++1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 3 3/2 होएगा, -+- सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 2 1 2 2 2 4 -3/2 -3/2 +-1/2 +-+ सिंप्लीफाई कर जाएंगे, 2 1 2 2 2 4 -3/2 -+3/2 हो जाएगा। ये एलसीएम एलसीएम इसका इसी तरह 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 1, ठीक है। इसी तरह ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एलसीएम आएगा 2, फिर 3 पॉजिटिव है, -1 आ जाएगा, ठीक है, 3 - 1 2 2/2 2/2 आंसर 1 आएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि ये कट गया, 0 आ गया, ये भी 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा प्रूव हो गया आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसी तरह हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किस तरह B B इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और B इनवर्स B आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अल्लाह हाफिज़।